हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैश करली में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए छोटी से बड़ी हर डिटेल, हेड टू हेड, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट से लेकर छोटी से बड़ी हर डिटेल की मैच प्रिडिक्शन। तो इस वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और मेरे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हैं मनोज। मनोज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी टीम इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के बीच जो मैच है, ये कितनी तारीख को होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा? देखिए, सिडनी में होने जा रहा है और ये इंडिया का ये दूसरा मैच होगा। इंडिया ने पहला मैच जो जबरदस्त तरीके से जीता, और ये जैसे कि मैं रुचिका बता दूं कि आपको ये बैटिंग के नजरिए से ये बहुत सबसे अच्छा विकेट हो सकता है, क्योंकि जो सारे विकेट्स हैं वो उनके ऊपर सीम कंडीशंस होती हैं, बहुत फास्ट ट्रैक होते हैं जो कि फास्ट बॉलिंग को काफ़ी मदद करते हैं। और जहां पर मैं देख रहा हूं कि सिडनी एक मात्र ऐसा ग्राउंड है जहां थोड़ी बहुत बैटिंग को मदद मिल सकती है, और इंडिया वर्सेज नीदरलैंड के मैच में शायद कहीं ना कहीं कोई बड़ा स्कोर बना सकता है। ठीक है, तो आपका कहना है कि जो ये सिडनी का जो ग्राउंड है, ये बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट देगा, तो टॉस जीतकर पहले टीम बैटिंग करना प्रेफर करेगी या फिर बॉलिंग? रुचिका, अभी तक जो वर्ल्ड कप में हुआ है ये वही हुआ है कि जो भी टीम अपना प्लेटफॉर्म सेट करना चाहती है, कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो सिर्फ बॉलिंग ही करेगी। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बड़े मैच नहीं होंगे कि सेमीफाइनल और फाइनल, तब तक हर टीम टॉस जीतकर ही बॉलिंग करेगी, क्योंकि अभी कोई इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपके जब लीग स्टेजेस में मैच चल रहे तो हमेशा हम चेज करना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच होता है, फाइनल या सेमीफाइनल, तब आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, तो टीम सोचती है कि स्कोर बोर्ड ऑन द बोर्ड लगाया जाए और फिर हम उसको डिफेंड करें। लेकिन अभी तक ऐसा ट्रेंड आया है, या वर्ल्ड कप को मैं देखना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट जो इतने भी मैच हो चुके हैं रुचिका, उसमें यही है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो सिर्फ फील्डिंग ही करती है पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दोनों कप्तान टॉस जीतेंगे तो वो फील्डिंग ही करेंगे। ओके, और ये जो पिच है इस मैदान की, ये सपाट है कि ये स्टम्पी है, बाउंसी है, कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सारे विकेट्स, मैं ये कहूँगा कि सारे विकेट्स जो बॉलिंग को ज़्यादा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनमें से एक मात्र ऐसा विकेट है कि थोड़ी सी जहाँ की सीम कंडीशंस, या फिर थोड़ा विकेट जो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं बैट्समैन को फेवर में जा सकता है, क्योंकि रुचिका अभी आपने जितने भी वर्ल्ड कप के मैच देखे होंगे उसमें यही लगा होगा कि आपको पावर प्ले में हमेशा कहीं ना कहीं विकेट्स गिर रहे हैं, क्योंकि आपके शुरू के 6 ओवरों में बॉलर्स को हमेशा कंडीशंस बहुत अच्छी मिलती हैं, और वहाँ के जो अभी जो वेदर है वो हल्का सा एटमोसफेयर उस पर बना हुआ है कि वहाँ बारिश ऐसी होती है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है, बारिश हो जाती है तो ग्राउंड ले लो या फिर विकेट्स ले लो तो वहां पर नमी रहती है, तो नमी पर हमेशा जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो हमेशा उनके लिए वो विकेट मददगार रहती है। लेकिन सिडनी का एकमात्र ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर हल्की सरफेस तो रुचि का हार्ड ही रहता है, वहां पर सबके सर्फेस हार्ड ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा उसमें बैटिंग ट्रैक को, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि बैटिंग को थोड़ा बहुत फेवर में वो कर सकती है। और ये मैच कब होने वाला है, 27 अक्टूबर शाम या सुबह? ये 27 अक्टूबर को, ये सारे जो मैच है अपने इंडिया के हिसाब से, ये सारे मैच 1:30-1 बजे के लगभग स्टार्ट होंगे, और जो दूसरा मैच होता है वो 4:30 बजे होता है, तो ये पहला मैच है तो इसलिए 1:30 बजे स्टार्ट होगा। 27 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे ये मैच भारतीय टीम के भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे होगा, तो आप इस मैच को देखिएगा। लेकिन इसके पहले हम जो आपको प्रेडिक्शन बता रहे हैं उसके बारे में जरूर ध्यान से सुनिएगा कि आने वाली ये मैच में, इंडिया वर्सेज नीदरलैंड, कौन सी टीम मैच जीत सकती है। तो देखिए कि अगर नीदरलैंड और इंडिया आज तक में कितनी बार आमने सामने हुई है, अगर हम हेड टू हेड देखें तो इसमें क्या रिकॉर्ड है? देखिए, इंडिया बहुत बड़ी टीम है, इंडिया में 19 बहुत सालों से क्रिकेट खेली जा रही है, और अब जो सबसे ज्यादा जो क्रिकेट खेली जाती है वो इंडिया में खेली जाती है। नीदरलैंड अभी एक टीम बिल्डअप हो रही है, या फिर ये मैं कह सकता हूँ कि वो टीम बन रही है, अभी उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं है। हेड टू हेड की बात करूँ तो उन्होंने 3 मैच खेले हैं और तीनों मैच इंडिया ने बहुत इजीली जीत लिए हैं, तो देखिए अभी कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस कम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया का जो फेवर है या फिर जो भी है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ रहने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम चेंजर्स कह सकते हैं, या फिर इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है रुचिका कि इतनी क्रिकेट खेलते हैं, वो इतनी क्रिकेट खेलते हैं, IPL खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, और बहुत सारी लीग्स होती हैं वो भी सारी खेलते हैं, तो इसलिए उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक लेवल होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, इतने इतने मैचेस होते हैं, तो फिर उसके बाद आपको IPL कंसीडर्ड करता है, फिर IPL खेलते हो आप, तो जब तक प्लेयर इंडिया टीम में पहुँचता है तब तक वो बहुत परिपक्व हो चुका होता है, उसने सारी कंडीशंस को देख लिया होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया के जो हेड टू हेड ले लो, चाहे फिर इंडिया का पलना हमेशा इन टीमों के सामने, या फिर इवन आपको तो पता है इंडियन चैंपियन टीम है, और अभी यहाँ पर
दावेदारी पेश करती है वर्ल्ड कप की, और कितनी बड़ी टीम है वो आपको पता चल गया था आखिरी मैच में जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था, क्या बैटिंग करी थी विराट कोहली ने। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि T20 में हमेशा एक प्लेयर ही आपका मैच विनर होता है, T20 में ऐसा नहीं होता है कि आपके सामने मतलब बहुत दो दो शतक लगेंगे या फिर तीन शतक लगेंगे, आपको दो प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं कि जो रन बना के दे, वही टीम T20 में मैच को सिर्फ दो प्लेयर जिता सकते हैं। तो वही विराट कोहली ने क्या और हार्दिक पांड्या ने क्या बैटिंग करी उनके साथ, तो जिस हिसाब की फॉर्म में है, और देखिए रुचिका जब आप ऐसा मैच जीतते हो तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस में होते हैं जब आप, और ये जो क्रिकेट है ना वो कॉन्फिडेंस का ही खेल है, तो जितना आप कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, आपका लेवल बहुत बिल्डअप रहेगा, आपने किस कंडीशन से मैच जिताया है वो एक अलग इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया का फेवर बहुत ज्यादा है इस मैच में, और हेड टू हेड की जैसे आपने बात बताई तो उन्होंने तीन मैच खेले और वो तीनों मैच नीदरलैंड हारा है। ठीक है, तो मतलब इंडिया का इस बार पलड़ा एक बार फिर भारी दिख रहा है। और अगर हम इंडिया की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, पाकिस्तान से पहले होने वाले जो भी मैचेस थे उसमें कैसा क्या रहा? देखिए इंडिया हमेशा से कहीं भी कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंग्लैंड जाइए या कहीं पर भी जाइए, इंडिया हमेशा फेवरेट का ही टैग लेकर जाती है, क्योंकि इंडिया में इतनी क्रिकेट होती है, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी क्रिकेट होती है कि वो जहाँ पर भी जाती है तो हमेशा फेवरेट के टैग के साथ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग कंडीशंस में ले गए तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उन्होंने इतने मैचेस खेल रखे हैं। जैसे कि अभी भी आपको मैं टीम की बात करूंगी, रोहित शर्मा ने जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था रुचिका तब से क्रिकेट खेल रहे हैं वो, मतलब तब उन्होंने 2009 से लेकर जब पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा 2009 में हुआ था T20, उन्होंने सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, मतलब 2009 में उनका डेब्यू था। अब उनको इतना एक्सपीरियंस है कि उनको इवन मतलब मैं तो कहता हूं कि कुछ जो नीदरलैंड के कुछ प्लेयर्स होंगे उनकी क्रिकेट ही इतनी होगी जितने उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिए, तो उनको अलग एक्सपीरियंस है। लोकेश राहुल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप तीसरा खेल रहे तो उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली आ रहे हैं, वो तो क्या जबरदस्त फॉर्म में, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी कराया कि वो किस फॉर्म में है, और कितने बड़े बैट्समैन है वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया है कि बहुत क्वालिटी बैटिंग करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप मैं ये भी आपको कह दूं कि कुछ ना कुछ नीदरलैंड्स के भी ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो विराट कोहली को इवन फॉलो करते हैं, तो मतलब विराट कोहली एक बड़े लेवल के और बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने जो लास्ट इनिंग खेली उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लेवल अप किया है। और चौथे नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव आ रहे हैं जो T20 के अभी सबसे मैं कहूँगा कि नंबर तीन की रैंकिंग पर आए हैं, और इतने से छोटे से समय में तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया बहुत क्वालिटी चीज है, और मतलब मैं ये कहूँगा कि इतनी क्वालिटी क्रिकेट खेल रही है कि बड़े लेवल के और बड़े स्तर पर खेल रही है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कि इस नीदरलैंड टीम की जो टॉप टीम 11 है उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए नीदरलैंड के पास जैसे कि मैं कह रहा था कि देखिए आप जब सुपर 12 में अभी आप आए तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो टीम को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर सकते हैं, बट इंडिया बहुत बड़ी टीम है। आप ठीक है आप उनको फाइट भी अच्छी देंगे देखिए, और जब आप सुपर 12 में आ गए तो कहीं ना कहीं आपके पास टीम के पास कुछ इतने स्ट्रांग प्लेयर्स होंगे कि आपको सुपर 12 में लेकर आए होंगे। देखिए इजी नहीं है, वेस्ट इंडीज को टीम हार हुई है सुपर 12 में से, तो अभी जब वो आए हैं और तो इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो बड़ा ही रोमांचक और फेरबदल वाला भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि नीदरलैंड टीम थोड़ी इस बार भारी पड़ सकती है। देखिए मैं कहूंगा कि देखिए अगर क्रिकेट अगर आ चाहे इंडिया भी क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेगी तो इंडिया भी हार सकती है। देखिए गेम ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर आप अभी से फिक्स कर देते हैं, लेकिन जो इंडिया के पास रुचिका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है एक्सपीरियंस कंडीशंस की। आप जैसे कि मैं पिछले मैच की बात वापस मैं चाहता हूँ आपको पिछले मैच में, कि जब आपके चार विकेट लग जाते हैं टीम अंडर प्रेशर होती है, तो नीदरलैंड जैसी टीमें आपको कमबैक करके नहीं देंगी क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं है जी। लेकिन विराट कोहली के पास इतने T20 खेलने का अनुभव है रुचिका कि उनको पता था कि मैं जितना इस गेम को डीप ले जा सकता हूं उतना मैं डीप लेके जाऊंगा, तो मैं बाद में इसको इजीली चेज कर सकूं, कम से कम हम थोड़ा चांस दे सकते हैं, और उन्होंने वही बैटिंग करी। आपने देख सकते हैं कि उनके जो 40 रन थे वो मोस्ट 40 बॉल पर सिर्फ 42-44 रन थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम थोड़े थोड़े करीब आ रहे हैं तो उन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाए। आप और विराट कोहली को आप ऐसे बड़े हिटर नहीं लेते हैं कि उनकी बहुत बड़ी मस्कुलर पर्सनालिटी है, वो मतलब बॉले फाड़ सकते हैं या फिर वो बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास इतने मतलब क्या कहूंगा कि इतना फिर से मैं बोलूंगा तरीका है और वो एक्सपीरियंस बहुत है समझ सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तब आप शुरू में जब 32 पे या 40 पे आपके चार हो जाते हैं तो रुचिका अगर आप वहां पर आप रिस्क लेते हैं कि यार ठीक है हमें 10 रन चाहिए हर ओवर से, तो आपको कहीं ना कहीं एक चौका निकालना पड़ता है, लेकिन उसमें कहीं विराट कोहली आउट हो जाते तो मुझे लगता है वो गेम इतने ओवर तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी का कारण ये था कि रुचिका इनके पास विराट कोहली हुआ चाहे हार्दिक पांड्या हुआ चाहे दिनेश कार्तिक हुआ, इनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कोई भी सिचुएशन
कोई भी गेम हो वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं कहूँगा कि नीदरलैंड के पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं है कि कहीं ना कहीं पढ़ना भारी चाहे इंडिया का ही रहेगा। देखिए अब मैं फिर से मैं कहूँगा कि देखो सुपर 12 में टीम आई है, कहीं ना कहीं वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए जिस दिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा ना वो जीतेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मैच चाहे इंडिया जीत जाएगा, लेकिन नीदरलैंड्स के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने पहले भी भली भांति देख रखा है। जैसे कि मैं बात करा दूँ आपको, मैक्स ओबर्ट करके हैं जो ओपनर बल्लेबाज है नीदरलैंड के, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट दो मैचों में उनकी 50 भी है, 250 बनाया उन्होंने। पिछले मैच में वो रन आउट हो गए थे बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन अब बैटिंग अच्छी करते हैं वो। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के हैं एक अकरामैन करके हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, उनके पास भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि पहले वो साउथ अफ्रीका से खेलते थे, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो अपनी जो हाँ तो साउथ अफ्रीका से वो मतलब इंग्लैंड और नीदरलैंड आए, और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। तो देखो साउथ अफ्रीका क्रिकेट कहीं ना कहीं लेवल अप है नीदरलैंड से, लेवल अप है तो उन्हें नीदरलैंड को उनका एक्सपीरियंस मिलेगा देखिए। और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में उन्होंने 70-80 रन बनाए, सिंगल हैंडली मैच को आगे लेके जा रहे थे। अगर उनका साथ होता तो मैं ये कहता हूँ कि क्या पता नीदरलैंड ये मैच जीत भी जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चांस था। सिर्फ आप जब 6 रन से हारते तो आप सोचेंगे कि रुचेगा कहीं ना कहीं वो 4 बॉलें खाली नहीं निकलती या फिर 3 बॉल खाली निकलती तो हम 6 रन बना देते। उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तीसरे नंबर पर एक है टॉम कूपर करके, टॉम कूपर को ऑस्ट्रेलिया के ही है टॉम कूपर, और उन्होंने बिग बैश बहुत खेली है। देखो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो लोकल लीग होती है बिग बैश प्रीमियर लीग, उनमें उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। और देखिए वो जो क्रिकेट खेलते हैं ना वो ब्रिस्बेन हीट से खेलते हैं, और वो बहुत बढ़िया बैट्समैन है। देखो मैं आपको बता दूं जो गेम चेंजर है वो उनके 3 साबित हो सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया मैक्स ओबर्ट, और ये हम यहाँ पे टॉप पिक्स भी देख सकते हैं ना। हाँ आप इन्हें टॉप थे, आप जो भी चाहे फैंटेसी 11 हो चाहे इस मैच के 3 पिक्स आप अगर नीदरलैंड्स में लेना चाहो तो देखिए आप इनको ले सकते हैं। जैसे मैक्स ओबर्ट हो गए और टॉम कूपर हो गए, अकरामैन हो गए, और एक और एक प्लेयर है जो विक्रमजीत सिंह है, वो भी काफ़ी क्वालिटी बैटिंग कर लेते हैं। आपके सामने इतने बड़े हार्ड हिटर नहीं है बट उनको गेम है कि वो सिंगल डबल चला सकते हैं। तो देखिए मैच अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ठीक है इंडिया जीत सकता है, लेकिन एक्चुअली जो जिस दिन अच्छी क्रिकेट खेलता है रुचिका वही मैच जीतेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में बैट और बॉल दे दिए तो देखिए सामने वाली टीम भी इतना क्रिकेट खेल के आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत इजीली मैच हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस इंडिया के पास ज्यादा है तो हम चलेंगे कि शायद ये मैच बहुत अच्छे से इंडिया जीत जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि इंडिया के टॉप 11 अभी जो हम चूज करेंगे, देखिए केएल राहुल जो अभी पिछले मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन केएल राहुल को बहुत अच्छे से रन बनाने आते हैं, और वो कितनी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं वो हमें सबको पता है। अगर उन्हें कहीं ना कहीं 30-40 रन का स्टार्ट मिल गया तो बड़े रन बनाते हैं। रोहित शर्मा बहुत क्वालिटी बैटिंग करते हैं, उनकी बैटिंग पर कोई शक है भी नहीं। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में कहीं ना कहीं नीदर, जो भी मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही करेगा, तो कहीं ना कहीं जैसे इंडिया की अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो केएल राहुल और रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव 3 बड़े बैट्समैन ये बड़े रन बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उच्च स्तर के बल्लेबाज हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंडीशंस और बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करना आता है। अगर कहीं ना कहीं बॉलिंग आ जाती है इंडिया की तो मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह बहुत बड़े लेवल के बॉलर हैं, और उन्हें बहुत जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को प्रूव भी किया है। देखो अर्शदीप अंडर प्रेशर थे, लेकिन अर्शदीप ने जो गेंदबाजी करी पहले में पाकिस्तान के खिलाफ, आपके इन फॉर्म बैट्समैन मोहम्मद रिजवान थे, बाबर आजम थे, उन्होंने जो विकेट्स लिए उन्होंने दोनों बहुत ज़बरदस्त लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स भी अब फॉर्म में हैं और बैट्समैन भी फॉर्म में, और जब ऐसी कंडीशंस होती है, जब आप फिर से मैं कहूँगा कि इस मैच को जब हम ऐसे मैच को जब जीत के आते हैं ना तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, तो आपका उस गेम में भी कॉन्फिडेंस झलकता है कहीं ना कहीं। जी, तो और अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो अभी स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार मनोज आप फिर से बता दीजिए कि क्या लगता है आपको कि नीदरलैंड वर्सेस इंडिया इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम अपने नाम फिर से जीत दर्ज कर सकती है। देखिए बहुत ईजी सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे कि अपन स्तर की लेवल की और एक्सपीरियंस की जो बातें चल रही है, देखिए नीदरलैंड के पास एक्सपीरियंस जैसे कि कम है, लेकिन ये मैच थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है एट द एंड इंडिया ये मैच जीत जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की हमारी कैश करले की मैच प्रेडिक्शन कि आने वाले 27 अक्टूबर को ये मैच इंडिया अपने नाम कर सकती है एक बार फिर से। तो इन्हीं तरह की वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपके पास में कोई डाउट्स है तो आप हमें मैसेज करके, हमें नोटिफिकेशन, हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ताकि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में हर चीज क्लियर कर सकें।